the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सारी ऐसी सीटें हैं जो काफी ज्यादा हॉट बनी हुई है। इस कड़ी में हैदराबाद की एक लोकसभा सीट है जो जहां से असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM के सुप्रीमो हैं और कई दफा जो है वो सांसद रह चुके हैं, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है और वो कैंडिडेट जो है वो काफी ज्यादा तगड़ा है। उस कैंडिडेट का नाम है माधवी लता। तो माधवी लता को केंद्र सरकार ने एक बड़ा सिक्योरिटी दे दिया है। कौन से सिक्योरिटी है, कौन से लोग होते हैं, क्यों दिया गया, इसके बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे। दरअसल बात करें तो हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधवी लता को गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दिया है। वह असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। गृह मंत्रालय ने IB की थ्रेट रिपोर्ट्स के आधार पर BJP उम्मीदवार लता माधवी को जो है वो सुरक्षा दिया है। Y+ कैटेगरी के आम पुलिस के 11 कमांडो जो है तैनात होते हैं, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। साथ ही 6 PSA 3 शिफ्ट में संबंधित VIP की सुरक्षा देते हैं। अब समझते हैं कि माधवी लता कौन है भाई, जो ओवैसी के खिलाफ लड़ रही हैं और इतना बड़ा उनको जो है इनाम मिला है। माधवी लता सुर्खियों में आई थी जब BJP ने उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। उन्हें कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी सराहना कर चुके हैं। हैदराबाद AIMIM का गढ़ माना जाता है, जहां से 1984 में ओवैसी परिवार का कब्जा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन पहली बार इस सीट से 1984 में लोकसभा का चुनाव जीते थे और वह 20 साल तक इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद इस सीट का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जिनको इस लोकसभा चुनाव में माधवी लता जो हैं वो टक्कर देंगी, तो के समर्थक के रूप में मशहूर हैं। जी हाँ, बात करें तो कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ से हराना मुश्किल है और इसलिए BJP इस बार हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उन्हें खोज कर लाई है। माधवी लता पैसे से एक डॉक्टर हैं और ब्रिंची नाम के एक अस्पताल भी चलाती हैं। वो सोशल मीडिया पर अपने हिंदुत्व समर्थक रूप के लिए भी चर्चा में बनी रहती हैं। माधवी लता एक भरतनाट्यम जो है नर्तकी भी हैं। माधवी लता का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है और वो असदुद्दीन ओवैसी की तरह किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखती हैं। वह हिंदुत्व की एक समर्थक है और 3 तलाक पर अपने बयानों के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई थी। बताया जाता है कि उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के समूह में साथ में सहयोग किया था। बाकी आपको बताइए, आप लोग बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ये कितना लड़ पाएंगी और उनको मात दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, बताइए। धन्यवाद।